बस आज मैं 2011 में रिलीज हुई प्रिस्ट मूवी करने वाली हूँ। काफी मजेदार मूवी है, इसके एक्शन सीक्वेंस वन ऑफ बेस्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। सो मूवी का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि वैम्पायर्स कुछ ऐसे एंशिएंट क्रिएचर्स थे जो सदियों से अर्थ पे रह रहे थे। उनके फॉलोअर्स के अनुसार वैम्पायर्स गॉड थे जिन्होंने अर्थ पे राज किया था, लेकिन फिर इंसान और वैम्पायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। सेंचुरीज तक इनके वॉर हो रहे थे, यही वॉर आज भी कंटिन्यू हुए। मॉडर्न हथियार और सूरज के किरणों से वैम्पायर्स का जलना, इसके बावजूद इंसानों पे वैम्पायर्स भारी पड़ रहे थे। इसीलिए शेल्टर लेने के लिए इंसानों ने अपने शहर की पूरी जगह एक दीवार बना दी ताकि वैम्पायर्स अंदर ना आ पाए। अंदर की ये पूरी दुनिया चर्च नाम की ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही थी। इन्हीं लोगों ने कुछ इंसानों को रिक्रूट किया, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी और उनको एक सुपर वॉरियर बनाया जिसे प्रिस्ट कहते हैं। प्रिस्ट वो वैम्पायर से काफी तेज और शातिर थे, इसीलिए वैम्पायर्स के खिलाफ जो वॉर चल रहा था उसमें इंसानों की जीत हुई। करीब करीब एक साल तक ये वॉर चला और उसके बाद वैम्पायर की मेजोरिटी कम होती गई और जितने भी बचे कुछ वैम्पायर्स थे उन्हें कैद करके रिजर्वेशन एरिया में रखा गया। इसके कारण अब प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी, इसीलिए चर्च ने प्रीस्ट को बंद कर दिया और वो लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने लगे। मूवी जब शुरू होती है तब हम प्रीस्ट के एक ग्रुप को देखते हैं जो वैम्पायर्स के एक एरिया में आए हुए थे। वहाँ पे हम प्रीस्ट के लीडर को भी देखते हैं। ये लोग वैम्पायर क्वीन को ढूंढ रहे थे ताकि उसे मार के इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दें। वो जगह एक केव हाइव जैसी थी। ये लोग क्वीन को ढूंढ ही रहे थे लेकिन देखते ही देखते वैम्पायर क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके इनके सारे लोगों को घेर लेते हैं एंड पकड़ते हैं। उनमें से एक आदमी को प्रिस्ट लीडर पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता और सारे वैम्पायर क्रिएचर उसे पकड़ के मार डालते हैं और इसी डरावने सपने के साथ वो लीडर उठता है। दोस्तों मूवी में वैम्पायर एक एंशिएंट क्रिएचर की तरह दिखाए गए हैं। फिर हम वॉल के अंदर की दुनिया देखते हैं जहाँ पे पूरी जगह पे अंधेरा था क्योंकि पोल्यूशन के कारण ये पूरा एरिया काला पड़ गया था और यहाँ पे सूरज की किरण भी नहीं आती थी। ये पूरी जगह चर्च के ही कंट्रोल में थी। तो वॉल के दूसरी तरफ कुछ इंसान रहते थे अपने अपने गाँवों में जिन्हें एक फ्री लाइफ चाहिए थी। चर्च के रूल के अनुसार नहीं चलना था वैसे लोग, लेकिन उन्हें वैम्पायर्स का भी डर था। अब हम ओविंस की फैमिली देखते हैं जहाँ एक सुनसान जगह पे उसका घर था। उसमें उसकी वाइफ शेनॉन और बेटी लूसी थी। एक अबैंडन घर में रहते थे और डिनर के वक्त में अचानक से उनपे वैम्पायर्स क्रिएचर का हमला होता है जिसमें शेनॉन लूसी को अंडरग्राउंड छुपा देती है और देखते ही देखते ये वैम्पायर्स क्रिएचर उन दोनों पे हमला करते हैं और लूसी को किडनैप करके अपनी जगह पे लेके जाते हैं। अब ये होने के बाद हिक्स नाम का आदमी जो वॉल्स की उस तरफ रहता था, वहाँ पे वो शेरिफ था, वो प्रिस से मिलके उसे ओविंस और लूसी को किडनैप किया है वैम्पायर्स ने ये बताता है। ओविंस दरअसल प्रिस का भाई था और लूसी उसकी नीस। अब लूसी को बचाने के लिए प्रिस चर्च की अथॉरिटीज के पास जाता है एंड उन्हें ये सारा किस्सा बताता है, लेकिन इनकी अथॉरिटी का लीडर ऑर्लस वैम्पायर्स के एग्जिस्टेंस को ही मना कर देता है। उसके अनुसार बचे हुए वैम्पायर्स इनकी जेल में कैद है और बाहर की दुनिया वैम्पायर्स से फ्री है, इसीलिए इसे बाहर जाने के ऑर्डर नहीं मिलते और इसे वार्न करते हैं कि अगर तुम लॉ के अगेंस्ट गए तो तुम्हारा ओहदा निकाल के तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन गुस्से में प्रिस्ट फिर भी निकलता है। अब इसने रूल तोड़े है इसीलिए ऑर्लस बाकी प्रिस्ट और प्रिस्टेस को बुलाता है और उनके लीडर को ढूंढ के वहीं पे मार डालने के ऑर्डर्स देता है। इनमें एक प्रिस्टेस भी थी। सिटी में आने के बाद प्रिस्ट और हिक्स को कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि वैम्पायर्स के नहीं थे। उन्हें वो फॉलो करते हुए नाइट शेड रिजर्वेशन एरिया में आते हैं। यहाँ पे वैम्पायर्स फ्रीली रह सकते थे और कुछ गार्ड्स वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर प्रिस्ट को कोई भी गार्ड्स दिखाई नहीं देते लेकिन कुछ अजीब इंसान दिखाई देते हैं जिन्हें मूवी में फेमिलियर कहा गया है। ये लोग वैम्पायर्स के ब्लड से इन्फेक्ट हुए थे और ये हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन थे, लेकिन ये वैम्पायर्स की तरह फास्ट नहीं थे। यानी यहाँ के जो गार्ड्स थे वो पूरी तरीके से हाफ वैम्पायर हो गए थे और इन्हें वैम्पायर्स ने एज अपना स्लेव बना के रखा हुआ था। ये लोग उस एरिया में लूसी को ढूंढते लेकिन वो नहीं मिलती और ये भयानक से दिखने वाले क्रिएचर धीरे धीरे रिजर्वेशन से बाहर आते हैं। प्रीस्ट और हिक्स को वो लोग घेर लेते हैं और इन पे हमला करते हैं, लेकिन प्रीस्ट एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार डालता है और आखिरी में फेमिलियर को धमका के उसे लूसी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वैम्पायर्स उसे लेके वेस्ट में यानी सोला मीरा लेके गए हैं जो कि वैम्पायर्स का और एक शेल्टर था, वहाँ पे उनकी हाइव थी। अब ये सुनते ही प्रीस थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि ये पूरा एरिया वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय किया गया था, वहाँ पे वैम्पायर्स रहने नहीं चाहिए थे, लेकिन शायद सच्चाई कुछ और थी। ये लोग सोला मीरा पहुँचते हैं और बड़े से माउंटेन के बीच में वैम्पायर्स के रहने की जगह थी। वहाँ पे अचानक से उन्हें हलचल दिखाई देती है, तब पता चलता है वहाँ पे प्रीस्टेस आई थी, लेकिन वो प्रीस्ट को पकड़ने के लिए नहीं, इनफैक्ट वो प्रीस्ट के साथ उसके टीम में शामिल हो रही थी क्योंकि उसे भी प्रीस्ट की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लग रही थी। इवन दो वॉर नहीं है, उसे वॉर के डरावने सपने आते थे और ऐसी जिंदगी उसे नहीं जीनी थी जो कि सेम
केस प्रिस्ट की थी। दोनों के बीच में एक मोमेंट आता है लेकिन प्रिस्ट उसे मना करता है। देखते ही देखते वहाँ पे अचानक से वैम्पायर का एक गार्ड इन पे हमला करता है। प्रिस्ट पे वो क्रीचर भारी पड़ रहा था लेकिन प्रिस्ट और प्रिस्टेस मिलके उसे मार डालते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे कोई भी वैम्पायर नहीं था और ना ही वैम्पायर क्वीन यहाँ थी, फिर भी वो क्रीचर किसी चीज की रखवाली कर रहा था। और आगे जाने पे इन्हें पता चलता है कि वैम्पायर ने यहाँ पे ब्रीड करके अपनी एक अलग आर्मी बनाई है ताकि वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाए और इंसानों के साथ वापस वॉर करे। इस माउंटेन के पास में ही एक क्लोज्ड माइन थी और उसकी ट्रेन मेन सिटी से कनेक्टेड थी। ये लोग गैस लगाते हैं कि शायद ये सारे वैम्पायर्स ट्रेन से ही अब मेन सिटी की ओर जा रहे हैं, शायद दिन में सफर कर रहे हैं और रात में अलग अलग टाउन पे लोगों पे हमला कर रहे हैं ताकि अपनी भूख मिटा सके। और तभी हम उस वैम्पायर आर्मी को देखते हैं दोस्तों। इन वैम्पायर्स का एक ह्यूमनॉइड लीडर भी था जिसने लूसी को किडनैप किया था और लूसी भी उसी ट्रेन में थी। अब रात में हम इन्हीं ट्रेन से जाते हुए वैम्पायर्स को देखते हैं। वो वैम्पायर क्रीचर एक टाउन के लोगों पे हमला करते हैं और पूरे गांव के लोगों को मार डालते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीस्ट अपने लीडर यानी प्रोटैगनिस्ट को ढूंढते हुए टाउन में आए थे लेकिन वैम्पायर्स को देखते ही वो उनके लीडर के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन वैम्पायर लीडर बहुत ही शातिर और तेज था, वो इन तीनों प्रीस्ट पे भारी पड़ता है और इनको मार के क्रूसीफाइड करता है। अब सुबह तक के पास के ही टाउन में तीनों भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था लेकिन ये लोग अपने प्रीस्ट को वहाँ पे देखते हैं, चौंक जाते हैं क्योंकि ये काम किसी वैम्पायर क्रीचर का नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और ही है। और तभी जाके उनको रियलाइज होता है कि ये लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन से सिटी की ओर पहुंचने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तब जाके दोस्तों इनको सब प्लॉट रिवील होता है कि ये एक सोचा समझा प्लान था, इसीलिए उन्होंने पहले लूसी को किडनैप किया। उन्हें पता था उसे देखने के लिए लीडर यानी प्रीस्ट उसके पीछे जाएगा ऑर्डर तोड़ के, और उसको मारने के लिए बाकी के प्रीस्ट भी टाउन से बाहर आएंगे। और इसी तरह वैम्पायर जब सिटी पे हमला करेंगे तब उनके बीच में कोई भी नहीं आएगा और सिटी में हमेशा अंधेरा होने के कारण सनरेज भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब ये तीनों भी प्लान बनाते हैं कि कैसे भी उस ट्रेन को रोकना है। इसी दरमियान प्रीस्ट हिक्स को कहता है कि अगर इनके लूसी इन्फेक्टेड है यानी अभी वो भी अगर वैम्पायर बनने वाली होगी तो उसे भी मारना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। लेकिन ये सुनते ही हिक्स काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है कि उसे तुम नहीं मारोगे, तुम्हारे लिए तो वो एक नॉर्मल इंसान है। और तभी प्रीस्टेस कहती है दरअसल लूसी ओवेन की नहीं बल्कि प्रीस्ट की बेटी है। वो यहाँ पे रिक्रूट होने से पहले उसकी छोटी सी फैमिली थी यानी शेनन उसकी गर्लफ्रेंड थी और उन्हें जस्ट लूसी पैदा हुई थी, लेकिन चर्च के ऑर्डर के अनुसार उसे प्रीस्ट बनना पड़ता है और अपनी ये पुरानी जिंदगी उसे छोड़ के मूव ऑन होना पड़ता है। शेनन के पास कोई भी सहारा नहीं था इसीलिए ओविन उससे शादी करता है ताकि लूसी को एक फैमिली मिल सके। अब ये जानकर हिक्स खुद को रोकता है और अपने प्लान के अनुसार ये तीनों भी ट्रेन को रोकने के लिए भागते हैं। प्रीस्टेस ट्रेन से भी आगे निकल जाती है क्योंकि उसे ट्रैक पे बॉम्ब लगाने थे, लेकिन उसे देखते ही फैमिली उसके पीछे पड़ते हैं उसे रोकने के लिए। तो दूसरी जगह हिक्स भी ट्रेन में चढ़ जाता है और उसे वैम्पायर्स के बहुत हाइव्स वहां पे मिलते हैं। तो तीसरी जगह पे प्रीस्ट भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो लूसी को बचा सके, लेकिन वहां पे वैम्पायर का लीडर उसे मिलता है, मानो वो उसका इंतजार ही कर रहा था। और दोस्तों यहां पे हमें पता चलता है प्रीस्ट को जो सपना आया था वो दरअसल सपना नहीं रियलिटी थी। प्रीस्ट अपने एक साथी को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन दूसरे साइड से वैम्पायर उसे दबोच रहे थे, राइट? तो वो दोस्त यही था। वैम्पायर उसे पकड़ते हैं, उस पे हमला करते हैं, लेकिन उसे दबोचने के बाद वहाँ पे वैम्पायर क्वीन आती है और अपने ब्लड से उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करती है। उसके खून के कारण वो फर्स्ट ह्यूमनॉइड वैम्पायर बनता है, पहले वो प्रीस्ट था और अब इसीलिए वो एक ताकतवर वैम्पायर बन गया था, सनलाइट में भी वो रह सकता था। इन दोनों की फाइट शुरू होती है जिसमें प्रीस्ट पे वो भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसे प्रीस्ट के सारे ट्रिक्स पता थे। वो दूसरी जगह पे ट्रैक पे प्रीस्टेस बॉम्ब लगाती है लेकिन देखते ही देखते फैमिलियर्स वहां पे आते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों ये भी एक्शन सीन जो है ना वन ऑफ ऑसम शॉट है। उनमें से एक फैमिलियर डिटोनेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण वो ये सारे एक्सप्लोजन अपने मोटर बाइक पे लगाती है और ट्रेन की तरफ निकल पड़ती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे प्रीस्ट और वैम्पायर लीडर की लड़ाई शुरू थी, लेकिन लड़ाई के बीच में लूसी को बचाने के लिए प्रीस्ट नीचे के साइड से वो ट्रेन में आता है लेकिन उसे वैम्पायर लीडर पकड़ता है और वहाँ पे लूसी को वो बताता है कि ये तुम्हारे पिता है। और लूसी को लेके वो वापस ट्रेन के ऊपर जाता है और वहाँ पे वो उसे काटने ही वाला था लेकिन तभी प्रीस्ट को होश आता है और वो बचाने के लिए उसे ऊपर जाता है और अपने मांग से वो लीडर को मार डालता है, लेकिन लीडर मरता नहीं है। लेकिन तभी प्रीस्ट की नजर सामने जाती है, वो बॉम्ब लेके आ ही रही थी, ये देख के वो नीचे लूसी को लेके जंप
मारता है। तो प्रीस्टेस जैसे ही ट्रेन के सामने आती है वो भी जंप मारती है और देखते ही देखते बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें वैम्पायर्स फैमिलियर्स इनका जो लीडर था वो सारे मारे जाते हैं। लूसी हीक्स प्रीस्ट और प्रीस्टेस बच गए थे और फाइनली वो अपने असली पिता को देखती है। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि वैम्पायर क्वीन अभी भी जिंदा थी और वो अभी भी प्लान कर रही थी कि कैसे इंसानों को मारना है। इसलिए प्रीस्ट शहर की ओर जाता है और उनके लीडर को वैम्पायर का सर पेश करता है उन्हें दिखाने के लिए कि वैम्पायर रियल है, उनकी क्वीन अभी भी प्लान कर रही है, लेकिन वो मानने से इनकार करते हैं। ये देख के प्रीस्ट अपने बाकी प्रीस्ट साथियों को लेके वैम्पायर क्वीन को हंट करने के लिए चला जाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एक्शन सीन पसंद है ना, दिस मूवी इज फॉर यू, वन ऑफ बेस्ट एक्शन है इसमें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।